हाय गाइस, अनदर साइड फ्रॉम विजी भाजी। और आज की वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं लुधियाना के लजीज जायके। कभी भी लुधियाना पंजाब चक्कर लगे, ये चीजें खाए बिना वापस बिल्कुल मत आना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। 20,000 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आते हैं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑफ विजी भाजी की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया की बेस्ट थाली। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। बट उससे पहले मुझे कॉमेंट करके बताइए कि भाई आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, बैंगलोर से, वाराणसी से, यूपी से, कहाँ से? क्या भैया, कैसा लग रहा है? कैसा होगा? अच्छा होगा। हम लोग आए हैं अभी गुरु नानक देव स्टेडियम जो है मेरे जस्ट पीछे है, और यहाँ पे ना बहुत बहुत ही कैंट चीज़ मिलती है। क्या है ना, इमोशंस मतलब बयान नहीं कर पाएंगे क्या चीज़ है। बेसिकली आप, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो ना यहाँ पे ना लुधियाना में ना कुलचा जो है ऐसे पिद्दी सा मिलता है, पिद्दी कुलचा, मिनी कुलचा, मिनी कुलचा लिया, उसमें दिल खुश करके छोले डाले कि मतलब इसको तो पूरा खिलाना ही है, ठीक है, पूरा भर दिया। उसके ऊपर इसमें प्याज, ओटीसी, अनियन, टमेटोस एंड कैप्सिकम, गैड ओटीसी टॉपिंग्स मारा इसमें। फिर इसमें मेयोनीज डाला और अपना अपना रेड चिली सॉस वगैरह पूरा डाल डूल के कॉटेज चीज़ ग्रेट करके। अब लुधियाना में ना क्या चीज़ है, यहाँ पे ना वो क्या देखा था हमने, हाँ मैंने यहाँ पे लुधियाना में ऐसे कहीं पे घूम रहा था तो मैंने देखा चीज़ स्टीम्ड मोमोज। मैंने बोला बढ़िया चीज़ है यार, मतलब स्टीम मोमोज के अंदर लिक्विड चीज़ डालोगे, मेरा दिमाग चला अच्छा है। फिर मैंने पूछा, उन्होंने बोला भैया पनीर है, पनीर का दूसरा नाम है स्कॉटेज चीज़। कॉटेज भूल ही गए, उन्होंने बोला कॉटेज तो अपना यही है, चीज़ ही रखते हैं। हाँ बस वही चीज़ ही रखते हैं। तो कॉटेज चीज़ ऊपर ग्रेट करके धनिया डाल डूल के आपको दिया है। 30 rupees इसका प्राइस है और दिल खुश है। मतलब आप लेयरिंग देखो, इसमें लेयरिंग देखो आप इसकी, मस्त एकदम। खाएं इसको फिर, चले जी आ जाओ, आप भी उठाओ। मैं नहीं कहूँगा ये पिज़्ज़ा है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा ये छोले कुलचे हैं। कुछ चीज़ों को नाम देने की ज़रूरत नहीं होती, ये उनमें से एक है, पर ये बहुत स्वाद है, स्वाद बहुत है। बस इतना ही फ़र्क है इसमें, इसमें और रेगुलर छोले कुलचे में इतना ही फ़र्क है कि ये बहुत स्वाद है। मेरे को लग रहा है ये छोले कुलचे बाकी छोले कुलचों को बताया होगा। तू बनेगा रोटी? तू बनेगा? थोड़ा स्टाइल में बनाना भैया, जैसे उस दिन बनाया था ना, हाथ वाथ बढ़िया चला। अभी आ गया जिंदर डाल दे। क्या भैया, कैसा लग रहा है? कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा बहुत ही। खालसा कॉलेज इधर को है, अब आप इधर दिखा सकते हैं काका जी। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया जी, कंफर्म कर लिया जी हमने। खालसा कॉलेज के एकदम सामने है जी, आंटी जी बैठती हैं और आंटी जी की पाव भाजी बड़ी मशहूर है। ये बन मस्का है, बन मस्का नहीं सॉरी, पाव मस्का, पाव मस्का है। पाव मस्का मतलब मस्का माने मटर, मक्खन, वो होता ना कि मक्खन ना लगा, मस्का ना लगा, मक्खन है इसमें भर भर के। और थोड़ा सा हम लोगों ने भाजी टेस्ट करने के लिए भाजी डलवा लिया। वैसे ये जो नीचे आ जाओ आपको दिखाता हूँ, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये अलग अलग हैं, ये अलग डिश है और इसके साथ पाव मिलते हैं वो अलग डिश है, वो पाव भाजी और ये पाव मस्का है। बेसिकली इसके अंदर मतलब एक भाजी टाइप की ग्रेवी सी बनाई है, ओटीसी अगेन के साथ अनियन, टमेटोज एंड कैप्सिकम्स। और ओटीसी बोलने में ना इतना फैंसी लगता है ना। आई नो, बैक टू पाव भाजी। या लेट्स गेट बैक टू पाव भाजी। तो ये देखो इसके अंदर भर भर के डाला हुआ है, भर भर का। लुक एट दिस, या इट्स जस्ट ओ, ये लेयर चेक करो भाई, ये लेयर पूरा तो चम्मच भर के तो इसमें मस्का है। डाल दो इसको, सही से ला रही है ना, स्मेल अच्छी आ रही है। खाओ फिर, किस बात की वेट कर रहे हो? खाओ पहले आप टेस्ट करो। अरे अपनी पाव भाजी सुनाया, अपनी पाव, हाँ हाँ मैं आंटी की पाव भाजी, हाँ
ब्लूपर्स चलो जी खाते हैं। तो जोक्स अबाउट मतलब इसमें बहुत सारा बटर यूज़ हुआ है बट यू कैन नॉट फील इट क्योंकि वो सारा जो ग्रेवी में है ना सारा प्याज सब्जी वगैरह जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ बटर मेल्ट होकर बहुत अच्छे से उसका है ना एक मज़ेदार से वर्जन बन गया। पाव जी इन्ने को सॉफ्ट है मुंह में जाके बस और हो मन करता है खाते ही जाओ खाते ही जाओ खाते ही जाओ। ठीक है सांभर हाँ थोड़े मसाले तेज किए होते हैं गाढ़ा होता है नहीं सांभर यही होता है जो हमने इसमें रखा हुआ पतीले में हाँ यहाँ पर थोड़े मसाले तेज किए होते हैं मसाले तेज किए होते हैं हाँ वही समझ गया थोड़ा गाढ़ा भी है बनाने में भी मदद होती है घर पे मम्मी को बताऊँगा इसे जो है कि ना अब जैसे ये पलटे में चिपक रहा था हाँ ये इसमें नहीं चिपकेगा चिपकेगा नहीं घरेलू नुस्खे नहीं घरेलू नहीं घरेलू हाँ दुकानी नुस्खे ठीक है आप घर पे यूज कर लो। हाँ लुधियाना का जो खाना है वो कंप्लीट नहीं है जब तक आप कुछ कुछ चीज़ें ना खाओ इम्पोर्टेंट जैसे अपने पप्पू के पकौड़े बिल्कुल ठीक है अपने पंडित जी के परौंठे पंडित जी के परौंठे बसंत की आइसक्रीम और कॉलेज समोसे समोसे खाने स्टार्ट करते हैं। आपका तो रोज का अड्डा होगा मतलब यस रोज का नहीं हफ्ते में खा खा के टिट बड़ी है ये पता क्या होता मतलब जितना मेरा मानना है ना कोई भी फेमस जगह होती है ना वो अपने खाने से नहीं अपनी चटनी से जानी जाती है बिल्कुल क्योंकि चटनी बनाना मुश्किल काम होता है बाकी सब तो भाईचारे में जगह भी दे दो थोड़ी इनको भी कहीं समोसे भिजवाने तो खाना वाना तो सब बना लेते हैं चटनी बनाने का जो है ना वो एक्सपर्टीज का काम है। 18 रुपये का समोसा आई थिंक डिसेंट है हाँ समोसा का टेस्ट है और क्या मज़ा जो है ना आई थिंक जो इसका बेस्ट पार्ट है इनका समोसा गर्म निकलता है और 2 मिनट में गायब गायब तो आप जब भी खाओगे गर्म ही खाओगे। तो अभी हम लोग आए हैं हकीकत स्वीट व्हाट इज दिस एरिया दंडी स्वामी हम लोग अभी लेन में हैं कह रहे अभिषेक कह रहे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लस्सीज ये इसको पता लग जाएगा कि जो बंटी की हमने पी थी और इससे कंपेयर करें हाँ सवाल ही नहीं उठता इसमें पानी डल जाए ये कितने का ग्लास होगा आई थिंक 70-80 30 का है बस ओ भाई साहब कितने का 30 है ना मैंने उसको पैसे दिए उसने मेरे को पैसे वापस दे दिए मैंने गिने नहीं यू कैन सी मतलब ये लस्सी की कंसिस्टेंसी है आई डोंट थिंक 30 का ग्लास होगा 30 का ग्लास है तो इसके लिए ज़्यादा पैसे देने चाहिए आई थिंक 50-60 का तो ग्लास होना ही चाहिए क्योंकि इतनी फैंसी दुकान है 30 का है दैट इज जस्ट हॉरिबल इसके लिए हमें खुद जाके उनको 30 रुपये और दे के आने चाहिए इतना दही लगा है। ये पंजाब वालों की ना एक बड़ी खासियत है वेरका का सामान खाते हैं पीते हैं मज़े से जो वेरका का मज़ा है ना वो और कहीं नहीं है हमारे पास इतना सारा स्टफिंग है और इसके इनके बड़े मशहूर है जी लुधियाना में हाँ बड़े मशहूर है जैसे कि हर एक नाम होता है ना कि ये स्पेसिफिक है पूरे इंडिया में अच्छा 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 जैसे अग्रवाल स्वीट हाँ जैसे दिल्ली में अग्रवाल स्वीट हर दूसरा बंदा अग्रवाल स्वीट है वैसे यहाँ पे हर दूसरा बंदा पंडित के पराठे पर दिस इज द पंडित के पराठे जिससे बाकी लोग पंडित के पराठे बने समझ रहे हैं आप ठीक है तो खाते हैं देखते हैं पहली बार टेस्ट करते हैं कैसी है नॉट बैड ओ अच्छा इसमें अजवाइन डली हुई अच्छी खासी बड़े घर जैसे हैं ये मतलब ऐसे पराठे हैं जो आपके घर में जैसे पराठे बनते हैं एकदम अजवाइन वगैरह डाल डूल के मिर्च मसाला डाल के बस एक चीज़ जो इसमें घर जैसी नहीं है ना वो है इसका तेल तेल इसमें इतना मेरी मम्मी आई थिंक पूरे घर के लिए जब पराठे बनाती है उतना पूरे घर के पराठों पर तेल डालेगी जितना एक में डला और जो मज़ा है ना इसका मक्खन के साथ आई थिंक एक और कमाल का है ये एक दिखाना ज़रा वो वाला ये कैसे एकदम पूरा मतलब बंदा बोल ही नहीं सकता कि हाँ ऐसे लग रहा है कि टिक्की और आलू पूरा वो कर दिया रेडीमेड बना है हाँ अंदर से बना बहुत बढ़िया ये लो भाई इसको ऐसे छील दे इसको बोलते क्या
कुलचा टिक्की बोलते हैं, बंदर टिक्की बोलते हैं, कुलचा टिक्की बोलते हैं। अभी हम लोगों को बोल रहे थे, लोगों को समझ ही नहीं आया, कह रहे वो क्या होते हैं बंद टिक्की, कुलचा टिक्की बोले तो समझ आएगा, कुलचा टिक्की। अच्छा ये फूल जाती है ऐसे। हाय हेलो हाय, हम लोग यहाँ पे बन टिक्की ट्राई कर रहे हैं, मेरे को किसी ने रेकमेंड करा था। आई जस्ट सॉ यू, मुझे लगा ये वेजी फाजी वाला। ये बन है और ये टिक्की है, और टिक्की मतलब ये अलग है, और ये मतलब इसको पूरा मिला मुलू के भैया ने और ऐसे बनाया, मतलब बन दिखाना कहें। हाँ ये दो बन और इसको क्या, जो तालमेल है ना इसका, देखने में इतना प्यारा लग रहा है ना ये, तो एकदम वर्क ऑफ आर्ट है। और इसका प्राइस है 30 रुपीज़। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा। एक तो वो चीज़ देख के मेरे को प्यार हो गया उससे, और इसको खा के और प्यार हो गया। ये क्या क्रीम थी क्या जी? क्रीम वाला मसाला बहुत डलता है इसमें जी। एक बारी में खा लेता बंदा, बहुत ही पीछे आ जा यार तू जरा, नहीं इसे तो बोल पा जाएगा भाई साहब। ये तो छोटी बास्केट चाट हो, इसे कहेंगे गोलगप्पा चाट। क्रीम कोहन ऊपर चूरमूर मसाला भर भर के एक बारी में तो खाया भी नहीं जाएगा, खाएगा पॉसिबल है नहीं हुआ भाई, मतलब गोलगप्पे को पैटी की तरह खा रहा हूँ मैं वो भाई, बहुत सही यार, बहुत सही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सही है। और कॉस्ट क्या है इसकी? 10 रुपये। अबे इसके लिए कम से कम 20-30 रुपये लेने चाहिए भाई। हाँ बहुत मैसी बहुत है भाई। मैं जब लुधियाना का खाना ढूंढ रहा था और अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहा था, तो काफ़ी लोगों ने बोला था पंडित के पराठे वो तो खा लिए, अब लुधियाना की लस्सी जो मेरे को पीनी थी, क्योंकि पंजाब में आके लस्सी तो पीनी है, वो भी हम लोगों ने पी ली। अब बचा गया बसंत की ड्राई फ्रूट आइसक्रीम। पर अभिषेक कह रहा है कि इसकी कुल्फी वो भी मस्त होती है, तो अभिषेक कुल्फी खाएगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। शुरू हो जाओ, करोगे? नहीं करेंगे, पहले आप ये खाओ, पहले हम इसको खाते हैं। मेरे को तो ये टूटी फ्रूटी आइसक्रीम जैसा लग रहा है, पर इनका दूध बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, एकदम वाइट वाइट। नहीं ये रबड़ी है ना ऊपर। अच्छा ऐसा लग रहा है बर्फी खा रहे हैं कोई, बर्फी नहीं मिठाई खा रहे हैं कोई, छेना की मिठाई होती है ना। ओह बहुत सही यार ये। तो दिस इज अपना पूरी, तो इनका पूरी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, इन्होंने कच्ची पक्की पूरी मतलब फर्स्ट फ्राई करके रखी होती है, एंड देन व्हेन यू ऑर्डर तो मतलब सेकंड फ्राई करके एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाती है। एंड 35 रुपीज़ इसका प्राइस है आई गेस। 35 फॉर 1 पूरी 35 फॉर 2 पूरीज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट हैरी इज सेइंग कि एब्सोल्युटली। अच्छा ये जो चीज़ है मतलब एकदम ब्राउन ब्राउन, ये छोले नहीं है, ये कद्दू है, घिया घिया है। ये लौकी का अचार है एंड इसके साथ ये चटनी जो है ये इमली की चटनी है, एंड देन ये आलू है। आलू के अंदर भी कद्दू डाला हुआ है। तो अगर ये और ये होता तो ये 35 रुपये प्लेट होता। हाँ अब क्योंकि ये आ गया और ये 70 रुपये का हो गया। नहीं ये भी मिल जाता है। हाँ लौकी मतलब जो छोले जैसे दिखने में है, हाँ, टेस्ट में कैसी होगी आके देखते हैं। चेक इट आउट। भैया अभी हम लोग आए हैं पन्ना लाल पकौड़े वाले पे। चलो जी लेट्स ट्राई। तो चलिए अब खाते हैं, ये पनीर का पकौड़ा है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओ चिट्टा वे, ओ
चिट्टा वे, क्या जोक मारता है यार तू, मिक्स इट अप। और ये मोटा मोटा आलू, आलू का मोटा मोटा पनीर का पीस है, पनीर भी ना इनका बड़ा सॉफ्ट है। मेरे जिगर के टुकड़े, जब मैं छोटा था ना, प्रोटीन प्रोटीन पता नहीं होता था क्या है, जिम में पता नहीं होता था, कार्टून नेटवर्क खोलता था, ओपो इधर सेलर मैन आता था, तब से पालक देख के ना मेरे को लगता है कि पालक खा के मेरी सेहत बनेगी, तभी से पालक, अब वो क्या है, फिर पालक और फिर क्या पंजाबी फैमिली खाने का शौकीन, अब वो ब्लांच वो खाता था बॉइल्ड पालक, हम थोड़े पंजाबी लोग थोड़ा खाने के शौकीन है, थोड़ा फ्राई करके थोड़ा टेस्ट आ जाता है, तो तभी से सोच लिया कि पालक खा के ही सेहत बनेगी, अब जो बनेगी फिर वही आप आपके सामने ही है जो है जी। नहीं प्लीज़ उधर मत जाइए प्लीज़ जी, भाई यही आज की वीडियो। नहीं पता क्या, टेट जो है ना, टेट इज़ अ पर्सनल एरिया, जो लोग खाने से प्यार करते हैं ना उनका अपनी टेट के साथ, टेट माने पेट के साथ ना बड़ा ही बहुत ही प्यार होता है, ऐसा प्यार समझाना मुश्किल होता है। एनीवे ये बातें तो होते रहेगी, अगली वीडियो में मिलते हैं इसी बात, ऐसी उल्टी सीधी टाइप की बातें करते हुए थोड़ा खाना भी डाल देंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हो, दिल्ली से, राजस्थान से, मुंबई से, जयपुर से, कहाँ से देख रहे हो, और आप लोगों से बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मजे से रहिए, खुश रहिए और जीते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय।